दिल्ली को इसी साल 2018 में मिल सकता है सिग्नेचर ब्रिज का तोहफा। अधिकारियों की माने तो जून के शुरुआत तक टू व्हीलर्स के लिए सिग्नेचर ब्रिज ट्रेल के तौर पर 3 महीने के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें इसके बाद फोर व्हीलर का ट्रेल और उसके बाद पूरी तरह से यह पुल जांच के बाद जनता को समर्पित किया जाएगा। साथ ही दिल्ली को एक पर्यटन स्थल की तरह से विकसित किया जा रहा है। यदि दिल्ली सरकार ने अनुमति दी तो ये पर्यटन स्थल बनाना चाहा तो यह दिल्ली के कुतुब मीनार से दुगुने से भी ऊंचा पर्यटन स्थल होगा, जिसकी ऊंचाई पर ग्लास हाउस में लिफ्ट से जा सकते हैं और 250 मीटर लंबा यमुना के पानी के अंदर जो हिस्सा होगा वह चारों के सहारे करेगा, जिसके नीचे अंदर जमीन में कोई भी पिलर नहीं होगा। जाम से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ में एक काफी बड़ा पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक ब्रिज दिल्ली में बन रहा है। भले ही इसके निर्माण में काफी देरी हो गई हो, 2004 में शुरू हुई ये परियोजना अभी तक पूरी न होने के कारण जब आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल राणा द्वारा पूछे गए और मौके पर आज अधिकारियों के साथ हरपाल राणा को विजिट कराया गया और दिखाया गया कि देरी की वजह क्यों है काम, और इस तरह की परियोजना देखकर आरटीआई कार्यकर्ता संतुष्ट नजर आए। आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल राणा ने इसके लेट होने के कारणों को जानना चाहा था, जिसमें उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज के विषय में पूछा था कि इसे किस कंपनी ने बनाया और कब तक यह तैयार हो जाएगा। इस पर इन्हें जवाब दिया गया कि वजीराबाद एरिया में सुचारू ट्रैफिक हेतु 2002 की मीटिंग में मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग दिल्ली को एक नए पुल के निर्माण की स्कीम होती हेतु निर्देश दिए गए थे। दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम द्वारा सिग्नेचर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया 27 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुई थी, जब लोक निर्माण विभाग और दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम के मध्य समझौता ज्ञापन साइन किया गया था। इस कार्य को 2004 सेकंड शुरू होने के बाद अब तक पूरा न होने का वजह जब पूछी गई तो विभाग का जवाब था कि सिग्नेचर ब्रिज का वास्तविक कार्य करने की तिथि 20 मार्च 2010 की थी, वह दिसंबर 2013 में पूर्ण करना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से समापन में देरी हुई, जिसमें विभाग ने बताया कि एक कारण पूर्वी छोर में जंगल को हटाना था, जिसकी अनुमति मिलने में देरी हुई और फिर जंगल हटाने का काम चला। साथ ही बुनियाद में भूवैज्ञानिक आश्चर्य मिलना है, जिसका समाधान पूरे डिजाइन द्वारा किया गया। विभाग ने कहा कि सभी मामलों का निपटान किया जा चुका है, जून 2018 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। सिग्नेचर ब्रिज परियोजना की संबंधित लागत 1575 करोड़ रुपए है, जो कि 2010 में स्वीकृत में 1131 करोड़ रुपए थी। इस निर्माण से संबंधित काफी सामान विदेशों से मंगवाया गया है और एक्सपर्ट इंजीनियर ही इस काम पर लगे हैं, जिन्होंने पहले भी इसी तरह की परियोजनाओं को अंजाम दिया है। पूरे संसार में, तो सेन जी जो रेंट है जो पे कर रहा कॉन्ट्रैक्ट 1,40,00,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है, और हमें 3-4 महीने की रिक्वायरमेंट और है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद तो खत्म हो जाएगा, ये तो अभी जाम चला। तो अभी कितना वजन बताया आपने इसमें? 1,240 का है और हाइट उसकी जा सकती है 210 मीटर। तो अभी कितने समय में पुल चालू हो जाएगा? आप 6 महीने मोटा मोटा। और अभी आपने बताया कि दिल्ली टूरिज्म के लिए भी इसमें कुछ कार्रवाई करने की आप लोग बता रहे हैं कि कुछ करेंगे इसमें भी, ग्लास हाउस वगैरह टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, जैसा होगा वैसा। तो क्या कुछ बनाया जाएगा उसमें टूरिज्म के लिए? ऊपर एक ग्लास हाउस बना रहे हैं 20 मीटर का, जिसमें आप खड़े होकर ऊपर से पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं दिल्ली का। मिनट बताइए सर, लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो लगभग 1.5 से 2 मिनट में आपको नीचे से ऊपर तक ले जाए। तो कितनी ऊंचाई है इस पुल टोटल हाइट है? तो क्या ये दिल्ली में सबसे ऊंचा है? इससे अलावा भी कई, इससे भी कई ऊंची पुल वगैरह हैं दिल्ली में। ऊंचा सिर्फ टीवी टावर है 235 मीटर। तो विद्यासागर सेतु है एक कलकत्ता में, उससे भी ऊंचा है। और सी लिंक मतलब जितने भी अभी तक समुद्र के ऊपर सी लिंक वगैरह है या कलकत्ता में सबसे ऊंचा पुल ये बना, सबसे ऊंचा पुल चल रहा है यहाँ पर। 1997-98 में एक बस नदी में गिरी थी बच्चों की, लोकेशन स्कूल की बस थी वो, और जब से ये पुल बनने की कार्रवाई आरंभ हुई थी लगभग 20 वर्ष में, 20 वर्ष में जो आरटीआई में जवाब दिया गया है वो 2002 में मुख्य सचिव दिल्ली के साथ पहली बैठक इनकी हुई है, 2004 में परिवहन विकास प्राधिकरण जो विभाग है उसने और दिल्ली सरकार में आपसी समझौता हुआ है, और 2010 में ये पुल बनने की कार्रवाई आरंभ हुई जो 2013 में इसको पूर्ण होना था। 13 टिका हुआ है ये जो पुल बन रहा है, ये विश्व का सबसे लंबा पुल है इस टेक्निक का, इस तरीके का विश्व का सबसे लंबा
पुल है इस टेक्निक का बनाया जा रहा है। इससे छोटा पुल एक और बना है जो किसी दूसरे देश में बना है, वो पुल इससे छोटा है, इसी टेक्निक पे बनाया गया है। और ये विश्व का दूसरा पुल है, लेकिन लंबाई के और चौड़ाई के हिसाब से विश्व का पहला लंबा पुल है जो इस तकनीक पे इस तरह का भारत में बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पुल भी ये होगा? सबसे ऊंचा पुल भी ये हो सकता है। 2013 में इस पुल को पूरा होना था, लेकिन अभी तक ये पुल पूरा नहीं हुआ है। और जून 2018 में इसे स्कूल टू व्हीलरों के लिए खोला जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो हरपाल जी, अभी आपको पता लगा हो कितना इसका बजट तक कितना तक खर्च हो चुका है? देखिए, जो इन्होंने आरटीआई में जानकारी दी है उसके अनुसार ये इसका जो पहला अभी जो बजट है वो 1575 करोड़ रुपये का अनुमान है इनका। इनमें जो स्वीकृत अभी तक किया गया है वो 1131 करोड़ रुपये स्वीकृत किया जा चुका है, और 1575 करोड़ रुपए कुल इस पे लागत आने की संभावना है। ये इसके आसपास के जितने भी ये पुल बन रहे हैं ये सभी का बजट बताया जा रहा है। सर, इन्होंने आपको बताया होगा पैमाइश के? हरपाल जी, आप आए हैं अभी, कहाँ पर आए हैं, क्या निरीक्षण के लिए आए थे, क्या निरीक्षण हुआ, क्या पता लगा इस बारे में? ये जो यमुना के ऊपर वजीराबाद पुल पे सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, इसके आज सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निरीक्षण करने का समय लिया गया था। इसमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी अपने आप में चौंकाने वाली है। इसका जो कार्य किया जा रहा है ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है। पहले हम देखते थे कि 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक काम है। वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज पर जो एक बड़ी परियोजना है दिल्ली में, इस परियोजना के बनने की शुरुआत सन 1997 में हुई थी, जब लुडलो कैसल नंबर 1 स्कूल की बच्चों से भरी हुई बस गई थी जिसमें करीब 20 से 25 बच्चों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार ने उसके बाद इस परियोजना को बनाने के लिए एक सिग्नेचर ब्रिज का प्लान तैयार किया था जिसकी लागत उस समय करीब 700 करोड़ थी, लेकिन धीरे धीरे 20 सालों में ये प्रोजेक्ट को देखते हुए, प्रोजेक्ट की सीमाओं को देखते हुए, इसके अंदर जो काम आने वाली चीज़ें उनको देखते हुए, प्रोजेक्ट की कीमत आज के टाइम में करीब 1650 करोड़ रुपये इसकी प्रोजेक्ट की कीमत बताई गई है, और जिसमें दिल्ली सरकार ने 1350 करोड़ इस पर खर्च कर दिए हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो बनकर आने वाले साल में तैयार होगा, अगले 6 महीने के बाद इसको तैयार लोगों के लिए, टू व्हीलर्स के लिए तैयार कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसे फिर 4 व्हीलर बड़े पैमाने पर लोग तैयार किया जा कर चलाया जाएगा, जिसपे सभी लोग, दिल्ली के लोग इसका आनंद उठाएंगे। और जो वजीराबाद पुल पर जाम लगता था उस जाम से लोगों को निजात मिलेगी। जो लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे वजीराबाद पुल पर खड़े रहते हैं उन्हें 2 से 3 मिनट के अंदर वजीराबाद से खजूरी तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब ये बताएं कि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुल है ये, दुनिया का दूसरा ऐसा पुल है, इससे पहले एक पुल है जो हॉलैंड में बनाया गया है, लेकिन दूसरा पुल ये दिल्ली के अंदर जो बनाया गया है, इसकी ऊंचाई 154 मीटर है और दिल्ली का सबसे बड़ा पुल ये बताया जा रहा है विश्व का। तो उसमें इसके ऊपर करीब एक ग्लास हाउस बनाया जाएगा जो दिल्ली टूरिज्म से इसे जोड़ने की योजना है, लेकिन वो एक निर्णय सरकार का है, सरकार उस पर क्या चाहती है, क्या उसके लिए सरकार तैयार है या नहीं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी योजना है जो दिल्ली वाले लोग, यूपी से हरियाणा जाने वाले, हरियाणा से दिल्ली यूपी जाने वाले जो लोग इसका लुफ्त उठाएंगे उनके लिए दिल्ली सरकार आने वाले साल में एक बहुत बड़ा तोहफा देगी। अमित त्यागी, मेट्रो न्यूज़, दिल्ली।